हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड इन टुडे साइंस लेक्चर। सो आज के साइंस के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या था, कितने तरह के एवोल्यूशन जो थे वो होते हैं, एंड कौन सी थ्योरीज जो थी वो ये सपोर्ट करती हैं, कि कौन सी थ्योरीज दी गई जिन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है लाइफ फॉर्म और पे कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पहले तो होता क्या है? सो इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर सक्सेसिव जनरेशन बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो ये कैसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ जनरेशन तक क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और वो चेंज कैसे होते रहते हैं, थ्रू जेनेटिक वेरिएशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मीन्स जैसे देखो पहले जो था जो ह्यूमन्स है, अभी तो ह्यूमन्स की बॉडी कैसी एकदम इरेक्ट है, स्ट्रेट है। ठीक है, अभी तो दो पैर पर चलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वो चार पैरों पे थे। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, चेंजेस जो है वो आते गए कुछ जनरेशन्स के लिए, एंड टुडे जो है वो एक जो ह्यूमंस हैं वो एज इट इज जैसे आज है वैसे जो है वो हो गए। ठीक है, क्या पता आगे को कुछ और जो है वो चेंजेस जो है वो आते जाए एंड और ज़्यादा जो है ह्यूमंस भी जो है वो और क्या होते हैं, चेंज होते रहे। ठीक है, सो ये हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जब भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कुछ सालों तक क्या है, चेंज होते रहते हैं बाय मीन्स ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब जो एवोल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। की जब भी चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में जब भी चेंज आता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, दैट इज टर्म्ड एज माइक्रो एवोल्यूशन। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी इट इज़ द ratio of allele in a genetic locus। तो उनको क्या है, ये क्या होती है, हमारी जीन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो जब भी जीन फ्रीक्वेंसी रेशियो में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज रेशियो में चेंज आता है, जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो जा रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। और यहाँ पे एवोल्यूशन में यहाँ पे पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब है, पॉपुलेशन यहाँ पे उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम रेफर करते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो वो होती है हमारी माइक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द एवोल्यूशन ऑन अ बिग स्केल। ठीक है, ये बहुत ही बिग स्केल पे क्या होता है, ये एवोल्यूशन होता है। और यहाँ पे द डिसेंट ऑफ मेनी स्पीशीज फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो मैक्रो एवोल्यूशन जो होता है वो एवोल्यूशन होता है ऑन अ बिग स्केल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक ही कॉमन एंसेस्टर जो है वो शेयर करते हैं ओवर मेनी ईयर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा क्या है, जो एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर है डायनासोर या, एंड उसके आगे जो है ये कितने सारे जो डायनासोर्स के स्पीशीज हैं जो है वो क्या होते गए हैं, बनते गए, एंड ऑल दी स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स शेयर अ सेम कॉमन एंसेस्टर ओवर सक्सेसिव बिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दिस इज टर्म्ड एज मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो एवोल्यूशन में, मैक्रो क्या है, जब भी जीन फ्रीक्वेंसी रेशियो में चेंज आता है, किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी रेशियो में चेंज आता है, जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो उसे माइक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। और जब भी एवोल्यूशन जो है वो बिग स्केल पे होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारी जो स्पीशीज है वो एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या है, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो दी गई, जिन्होंने बोला कि या तो ये हो सकता है और रीजन लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने का, या ये हो सकता है। तो कौन कौन सी थ्योरीज थी, सबसे पहले तो ये थी, इट इज जनरली एग्रीड दैट ऑल लाइफ टूडे इवॉल्व बाय अ कॉमन डिसेंट फ्रॉम अ सिंगल प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, ठीक है। ये सारी की सारी ये जो लाइफ है, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुई है, एक कॉमन डिसेंट था प्रिमिटिव फॉर्म का, ठीक है, एक कॉमन जो थी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म थी, एक कॉमन जो था वो एक सेल था, वही क्या होता गया आगे आगे इवॉल्व होता गया और आज जो है वो इतनी सारी जो है वो लाइफ फॉर्म्स जो है वो उसी के कारण एग्जिस्ट करती हैं। सो एक थ्योरी तो ये थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि ऑल नोन ऑर्गेनिज्म शेयर सर्टेन जनरल प्रॉपर्टीज एंड टू लार्ज डिग्री दीज प्रॉपर्टीज डिफाइन व्हाट वी मीन बाय लाइफ, ठीक है, कि जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं, आपस में जो है वो शेयर करते हैं, जनरल प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ कि दीज प्रॉपर्टीज, और वही प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, लाइफ फॉर्म है, ठीक है। सो सेकंड थ्योरी तो ये थी। नाउ थर्ड थ्योरी कि साइंटिस्ट डिसएग्री अबाउट वेयर लाइफ स्टार्टेड। अब साइंटिस्ट ने यह किया, डिसएग्री किया, देखिए द एटमोसफेयर ऑफ अर्ली अर्थ वॉज रिच इन हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग अ रेडी सप्लाई providing a ready supply of energetic electrons with which to build organic molecules. अब scientists ने जो थी वो कुछ जो theories जो थी वो क्या की, disagree की, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो early earth थी, ठीक है, बहुत early earth थी, उनमें उसमें जो atmosphere था वो किस में रिच था, it was rich in hydrogen, ठीक है, वो hydrogen में क्या था, काफ़ी ज़्यादा rich था, and it provided a ready supply और फिर उन्होंने क्या किया, एक electrons की जो थी वो energetic इलेक्ट्रॉन्स को क्या थी, एक रेडी सप्लाई जो थी प्रोवाइड की, एंड उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रिएक्शंस हुए और हमें क्या मिले, ऑर्गेनिक, और उन रिएक्शन से क्या थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो बिल्ड अप होना जो है वो शुरू हुए, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। अब मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, ठीक है, एक चैम्बर लिया, वहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये सारी गैसेस रखी जो अर्ली अर्थ में जो थी वो प्रेजेंट हो सकती थी, जैसे कि वाटर वेपर्स थे, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन उन्होंने क्या किया, इस जो चैम्बर में क्या थी, इलेक्ट्रोड्स जो थी, इलेक्ट्रिक करंट जो था या इलेक्ट्रोड जो स्पार्क था वो पास किया, एंड जब इन्होंने ये पास किया, ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्या थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो था वो फॉर्मेशन हुआ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ अमाइनो एसिड्स थे या कुछ बाकी सारे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो लाइफ फॉर्म को जो है वो एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं। सो मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, दे अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट्स अटेम्प्टिंग टू डुप्लीकेट द कंडीशंस ऑफ अर्ली अर्थ प्रोड्यूस मेनी ऑफ द की मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने अर्ली अर्थ की कंडीशंस को क्या किया, डुप्लीकेट किया, और उसके कारण क्या थे, बहुत सारे की मॉलिक्यूल्स जो थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या हुए, फॉर्म होना शुरू हुए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी की थ्योरी इज अबाउट ओरिजिन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ सेल्स के बारे में क्या थ्योरी थी, द फर्स्ट सेल्स आर थॉट टू हैव arisen spontaneously but there is a little agreement as to the mechanism, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला था कि सेल्स जो थी वो एकदम ऐसे स्पॉन्टेनियसली जो थे वो अराइज कर दिए गए, ठीक है, और इसके बारे में साइंटिस्ट एग्री भी करते थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि सेल्स जो है वो एकदम ही स्पॉन्टेनियसली जो है वो एकदम अराइज कर गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि अर्लीस्ट सेल्स, ठीक है, द अर्लीस्ट फॉसिल्स आर ऑफ बैक्टीरिया टू स्मॉल टू सी विद द अनएडेड आई, ठीक है। सो अर्लीस्ट फॉसिल्स ने भी क्या किया, जो हमें तो क्या एविडेंस प्रोवाइड किया कि जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है उसमें क्या थी, दे आर द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया, उनमें बैक्टीरिया की जो थी वो प्रेजेंस जो थी वो देखी गई, ठीक है, और वो बैक्टीरिया ऐसे थे विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जो है वो चाहिए, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है वो है हार्डिन या ओपर एंड हार्डिन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो 1924 when Alexander Operin reasoned that atmospheric oxygen prevented the synthesis of the organic molecules. अब Alexander Operin ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला था कि जो ऑक्सीजन था, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन था, उसने क्या किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस नहीं होने दी, ठीक है, और
और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. और यही क्या है, ये हमारे नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के एवोल्यूशन के लिए. ठीक है. In his Origin of Life, Oparin argued that a primeval soup of organic molecules could be created in a oxygen-less temperature through the action of sunlight. अब Oparin ने क्या बोला, Oparin की जो बुक है Origin of Life, उसमें उन्होंने ये argue किया है कि जो primeval soup है, ठीक है, means जो organic molecules है, organic molecules को हम कैसे create कर सकते हैं एक oxygen-less temperature में, means ऐसे temperature में, ऐसे atmosphere में जहाँ पे oxygen नहीं है. ठीक है, वहाँ पे दूसरे जो सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एक्शन में जो है वो हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो और उसी टाइम पे द जे बी एस हार्डिन ऑल्सो सजेस्टेड दैट अर्थ्स प्री बायोटिक ओशन विच मीन्स विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट ओशंस आर नाउ वुड हैव फॉर्म्ड अ हॉट डाइल्यूट सूप. इन दिस सूप ऑर्गेनिक कंपाउंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ वुड हैव फॉर्म्ड एंड द आइडिया वॉज बायोपोएसिस. ठीक है, और उसी टाइम पे पहले Oparin ने क्या बोला, Oparin ने जितना बोला कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिच टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेस टेम्परेचर एटमोसफेयर चाहिए जिसमें कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस जो है वो हो पाए. एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर द नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, उसी टाइम पे जे बी एस हार्डिन ने क्या सजेस्ट किया कि अर्थ क्या, कि अर्थ का जो अर्थ के पास के थे कि जो प्रीबायोटिक ओशंस थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे जो ओशंस आ जाए. ठीक है, और जो ओशंस उस टाइम पे थे उसमें क्या है, एक हॉट डाइल्यूट सूप जो है वो फॉर्म हुआ हो सकता है. और उस सूप में क्या है, उस सूप में मेनली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो प्रेजेंट थे, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हमारे जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो है वो लाइफ है. ठीक है, और इस आइडिया को क्या नाम दिए, दिस आइडिया इज कॉल्ड द बायोपोएसिस. सो जे बी एस हार्डिन और Oparin का जो जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको जो था वो किसने, किस एक्सपेरिमेंट ने जो है वो प्रूव किया, किस एक्सपेरिमेंट ने जो है वो सच किया, वो थे हमारे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो इनकी जो ऑब्जर्वेशन को जो है जिसने जो है वो प्रूव किया वो था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. एंड इट इज़, और यही जो एक थ्योरी है, ठीक है, जो आज है वो वाइडली एक्सेप्टेड है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो वही एक्सपेरिमेंट यही था कि इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम में क्या किया, यहाँ पे इन्होंने वो सारे, इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट थे वो गैसेज जो उस टाइम पे एटमोसफेयर था, वो एटमोसफेयर क्रिएट किए जहाँ पे मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड वाटर वेपर जो थे वो प्रेजेंट थे. देन स्पार्क डिस्चार्ज, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन से स्पार्क डिस्चार्ज जो था वो दिया गया. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, हीटेड वाटर है, यहाँ से क्या वाटर वेपर जो है वो जाते हैं. ठीक है, सो देन उसके बाद क्या था, उसके बाद इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था वो रन किया गया, और एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद जो था वो हमने क्या, हमें क्या मिला, एक हॉट डाइल्यूट सूप जो था वो हमें मिला. अब ये हॉट डाइल्यूट जो सूप था, ठीक है, इसमें किसकी प्रेजेंस पाएगी, इसमें प्रेजेंस पाएगी ऑफ द अमाइनो एसिड. ठीक है, वो अमाइनो एसिड जो हमारे जो इसके लिए, लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. ठीक है, सो This was all about the origin of life. तो ये जो थी कुछ थ्योरीज जो थी वो दी गई, एंड द वाइडली एक्सेप्टेड आर द जे बी एस हार्डिन एंड अलेक्जेंडर Oparin की थ्योरी थी, विच वॉज फर्दर प्रूव्ड बाय द मिलर्स एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय.